केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीडियो से छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस और सीएम रेवंत रेड्डी को नोटिस भेजा है। अमित शाह ने तेलंगाना की सभा में मुस्लिम समुदाय को दिए गए रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात कही थी, मगर छेड़छाड़ के बाद ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्री आरक्षण को ख़त्म करने की वकालत कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जल्द ही दिल्ली पुलिस की टीम नोटिस के साथ तेलंगाना पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस इस मामले में सीएम रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस के 5 लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री के वीडियो के छेड़छाड़ के मामले में कांग्रेस की मुसीबत बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमित शाह के वीडियो को तेलंगाना कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, इसीलिए उसे नोटिस भेजा जाएगा। बता दें कि बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तेलंगाना कांग्रेस पर अमित शाह फर्जी वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि छेड़छाड़ किए गए वीडियो से व्यापक हिंसा भड़क सकती है। रविवार को बीजेपी और गृह मंत्रालय के 2 शिकायतें मिलने के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल साइबर विंग की IFSO यूनिट ने FIR दर्ज की थी। इसमें IPC की धारा 153 ए, 465, 469 और 171 जी और सूचना IT अधिनियम की धारा 66C के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से अमित शाह का वीडियो ट्वीट किया गया था, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि वो आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और बीजेपी ने इस फेक वीडियो के लिए कांग्रेस को घेरा था। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित शाह ने इसे भ्रम पैदा करने वाले और लोगों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश करार दिया है।